जी, क्या हाल है आंटी जी? खैरियत से हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? I need to ask you something. I don't know. My skin on my face gone darker. Okay. I don't know. Can you talk in Urdu? Sorry. Can you talk in Urdu? Can I do what? Can you speak Urdu? I can, but it is mere chehre par dark daage hain. आपके चेहरे आपकी आपका नाम पहले बताएंगे? नाम क्या है? नाम क्या है आपका? मेरे चेहरे पर डार्क डागे हैं। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या है? नाम सलमा जी। सलमा। अच्छा, उम्र कितनी आपकी? I'm 68. और वजन? और सॉरी, वेट 9 स्टोन। अच्छा, 9 स्टोन। आपके चेहरे पर दाने हैं? दागे चेहरे पर। अच्छा, चेहरे पर दाने। तो ये दाने कैसे हैं? छोटे छोटे हैं या बड़े हैं? नो, पैचेस लाइक ऑन द फोरहेड, चिन। जो मैंने अभी बताया था ना अपने प्रोग्राम में शुरू। ओके, यू टेल मी व्हाट आई नीड टू डू फॉर माय पैच प्लीज। थैंक यू। अलबरका ट्रस्ट का मंशूर, आओ गम समेटें, खुशियां बांटें। अलबरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने पैदाइश की खुशी से लेकर मौत की गमी तक इंसानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए यतीमों, बेवाओं, बेसहारों, जरूरतमंदों और सफेद पोशों की मदद को इबादत समझते हुए इस अजीम फरीजे को सरंजाम दे रही है। सिंध और बलूचिस्तान में अलबरका ट्रस्ट आपकी ज़कात, अतियात और सदकात की बदौलत इन्हें तनहा नहीं छोड़ता और इनकी ज़रूरियात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। महाना डोर टू डोर फूड पैक्स की फराहमी के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक में हज़ारों मुस्तहकीन के लिए स्पेशल फूड पैक्स सहर अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। आप भी अपनी ज़कात अलबरका ट्रस्ट को दीजिए। राब्ता कीजिए 0121-6677-399। और कह रही थी उनके चेहरे पर यानी पैचेस हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, तो उसका उसका क्या इलाज है? देखिए, एक तो ये है कि उम्र के लिहाज से झुर्रियां पड़ती हैं, ये एक कॉमन बात है। दूसरी बात, मैंने जैसे प्रोग्राम से पहले जिक्र किया, कुछ मौरूसी भी होती हैं, खानदानी भी होती हैं, झुर्रियां इंसान को पड़ना शुरू हो जाती है। जवान भी होते हैं, आप देखिए उनके पेशानी पर यानी कि झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं, 3-4 लकीरें बढ़ के जो है वो पेशानी जो है इस किस्म की हो जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर उम्र से पहले ही आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही हैं तो उसके लिए मैंने जैसे कि जिक्र किया, आपके जिस्म के जितने आज़ा हैं हर एक आज़ को आपके एक्सरसाइज की जरूरत है। अगर वहां पर एक्सरसाइज नहीं होती तो फिर ये कैफियत होती है। फिर काम की नौइयत भी ऐसी हो तो फिर भी ऐसी कैफियत हो सकती है, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा काम के अंदर मुनहमिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, उस वजह से भी पैचेस पड़ जाते हैं। बहरहाल, अब इसका हल क्या है? इसका हल देखें, अगर एक तो उम्र से पहले हो गए और बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो उसके लिए एक तो अपनी खुराक पर ध्यान दें कि आपकी खुराक कैसी है। दूसरी बात, ये सबसे अहम बात, जो पहली बात है वो ये है कि आप अपने पानी पर ध्यान दें कि आप दिन भर पानी कितना पीती हैं। अगर पानी आप माशाल्लाह दिन में 6 से 8 गिलास पानी पीती है तो माशाल्लाह आपका पानी पूरा। दूसरा, अब आपने क्या करना है कि आपके अगर चेहरे पर पैचेस पड़ रहे हैं वक्त से पहले, तो आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इससे इंशाल्लाह आपके चेहरे के दाग धब्बे भी घटना खत्म हो जाएंगे और इससे आपके चेहरे की झुर्रियां वगैरह जो है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। उसके लिए क्या करना है, आपने शहद ले लें, हनी ले लें 1 टेबल स्पून,
ऐसे गुलाब ले रहे हैं आप तकरीबन ये भी एक टेबल स्पून, और इसके अंदर आप ये जो चने का बेसन होता है यानी कि जो हम जो बेसन पकौड़ा वगैरह के लिए अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये आप ले लें तकरीबन दो तकरीबन वन एंड हाफ टी स्पून, वन एंड हाफ टी स्पून ये ले लें। इसके साथ आप तकरीबन आप इसके अंदर डाल दें लाइम जो है वो हाफ लाइम इसके अंदर डाल दें, इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसको चेहरे पर लगाएं, इसको चेहरे पर लगाएं, एक आपका ये यानी कि चेहरे पर लगाएं और 20 से 25 मिनट के बाद इस चेहरे को धो लें, सादे पानी के साथ धो लें। आपको बाकी इसके साथ कोई केमिकल वगैरह साबुन वगैरह या कोई आपको यानी कि फेस वॉश वगैरह इस्तेमाल करने की जरूरत। अच्छा, अगर कोई ऐसा फेस वॉश है जो ज्यादा जिसमें केमिकल नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, दूसरा नुस्खा वो ये है कि आप अंडे की जो सफेदी है, अंडे की सफेदी ले लें और अंडे की सफेदी को आप अपने चेहरे पर लगाएं, इससे भी आपके चेहरे की झरियां जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन कोशिश ये करें कि जब आप चेहरे पर लगाएंगे तो लगाएंगे इस तरह कि आप अपने बस औकात इंसान ये कि किसी चीज में मुनहमिक हो जाता है ना, तो उसके चेहरे पर ऑटोमेटिकली झरियां पड़ जाती है। जब आप लगा रही हो आपको कोई और लगाए तो ज्यादा बेहतर है, जिनके चेहरे पर झरियां हैं और वो झरियों को खत्म करने के लिए यानी कि वो ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें ये चाहिए कि वो यानी कि किसी और से लगवाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि वो क्या है कि वो जब आप जब लगाते हैं पेस्ट वगैरह बनाकर तो ऑटोमेटिकली जहाँ झरियों में वो पेस्ट सूख जाएगा तो आपकी झरियां वैसे ही रहेंगी, तो आप अगर किसी और से लगवाएंगे तो फिर बेहतर होगा। इसके बाद क्या करें कि रात को सोने से पहले आप ये ले लें यानी कि कलौंजी का तेल ले लें और जैतून का तेल ले लें, मिकदार इसकी कमी हो उसको जो है वो चेहरे पर लगाएं, इससे इंशाल्लाह आप ये देखेंगे आपके चेहरे की जो है वो काफी बेहतर होने शुरू।